Assalamu alaikum, KM Cho, Sasriyakal, Kero, Halakasaga, Namaste, KM Ora Cho, and welcome to Big Boss Season 15 ka review with me, Amar Ansari. Kya ho raha hai mera bhai? Well, friends, kal ka episode itna faad tha, itna zabardast tha. Unfortunately, मैं कल रात को उसे नहीं देख पाया. अभी सुबह सुबह मैंने ये एपिसोड देखा है. गाइस, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एपिसोड्स, ट्रस्ट मी ऑन दिस वन. मैंने एक घंटे का एपिसोड बार 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 बार, जो लास्ट आधा घंटा था, दिस वॉज नथिंग शॉर्ट ऑफ अ क्लाइमैक्स ऑफ अ ब्लॉकबस्टर फिल्म. क्या हरकतें हुई है घर में, पंखुड़ियों के, तितलियों के, कुत्तों के पर काट दूंगा, भाई बिचकुले हूं यहाँ पर. ए शमिता शेट्टी, तेरी सारी शेट्टी गिरी निकाल दूंगी. हाँ देवो, योर ब्रेन इज इन माय एस. ओ गॉड, इट वाज अ क्लासिक. प्रतीक सहज पाल, गाइस लिटरली बोल रहा हूँ, कल इस बंदे पे दिल आ गया. सीरियसली बोल रहा हूँ, यूजुअल प्रतीक सहजपाल यू नो मेरे को एकदम बुली लगता है, एकदम हरकत ऐसी पागल जैसी करते हुए दिखाई देता है, लेकिन कल जो उसने अपना संतुलन है वो बरकरार रखा. देखो गाइस, करण कुंद्रा का इस तरह से हाथ पैर चलाता रहेगा ना घर में, तो उसका सर्वाइवल बहुत ही मुश्किल है. जो भी उसका कॉन्ट्रैक्ट हो कलर्स इन लोगों के साथ, आई थिंक अब हाइट्स हो गई है, इनफ हो गया है. जब उसने WWE स्लैम दिया प्रतीक को, तब समझ में आ, चलो एक बार हो गया, हम लोग सब हंसे, इट वॉज ऑल फन एंड गेम्स. उसका फिर से धक्का मुक्की हुई. कल जो हुआ वॉज अनकॉल्ड फॉर. प्रतीक सहजपाल का एक डायलॉग मेरे को बहुत पसंद आया. बिचकुले उसको बोल रहा था कि ए तेरे को मारा, तेरे को हाथ लगाया, तेरे को तू क्यों नहीं कुछ, क्यों नहीं कुछ कर रहा है तू. तो प्रतीक सहजपाल ने बोला, एक आंख के बदले दूसरी आंख लू क्या उसकी. हाँ, एन आई फॉर एन आई मेक्स द होल वर्ल्ड ब्लाइंड. दैट मेड मी यू नो क्लैप फॉर प्रतीक सहजपाल. एंड उसके बाद जिस तरह से वो पूरा मट्टी में लटपट था, एकदम उसकी हालत एकदम गंदी थी. हाँ, उसके बाद जो राखी सावंत को मिलने के लिए रूम में आया, राखी सावंत ने उसको बोला जो नहा ले, खाना वाना खा ले. जब प्रतीक गया, तब राखी सावंत ने कहा कि मेरा सलाम है इसको, प्रतीक सहजपाल को मेरा सलाम है. मैं चाहती हूँ कि ये ट्रॉफी जीते. सिर्फ राखी सावंत ने ही नहीं, बिचकुले ने भी, मंगेश दूध वाले ने भी, एंड देवोलीना ने भी, ये सारे के सारे लोगों ने प्रतीक सहजपाल को विनर डिक्लेयर किया. एंड कल जो तेजू ने वुमन कार्ड खेलने की कोशिश की, शी वॉज लुकिंग एब्सोल्युटली इडियोटिक यस्टरडे. तेजस्विनी इज लुकिंग एब्सोल्युटली इडियोटिक. जिस तरह से उसने मायशा का जो एग्जाम्पल था वो यहाँ पर लेकर आया कि प्रतीक सहजपाल तेरे को टास्क में मायशा ने लाफा मार दिया था. हाँ, तू गलत गलत हाथ लगाता है लड़कियों को हर जगह पर, वो एग्जाम्पल यहाँ पर कल के टास्क में नहीं देना था. एंड सबसे बड़ी ओवर एक्टिंग की दुकान थी नन देन शम्मो रानी. शम्मो रानी इज अ डिस्टेस्टफुल, हाँ सीरियसली डिस्टेस्टफुल कमेंट्स दिया है, इज अ डिस्टेस्टफुल कंटेस्टेंट. उसने निशांत को भी OTT में बोला था, जिस पे बहुत बड़ा बवाल होना चाहिए था जो कि नहीं हो गया. इंग्लिश में गाली देना तो बहुत कूल लगता है, ए यू मैन, हाँ अबे तेरी अल्लूगा कैसा लगता सुनने के लिए. जस्ट इमेजिन योर ब्रेन इज अप इन माई एस, यही को अगर हिंदी में बोल दिया कि तेरी अक्कल मेरी कैसा लगेगा सुनने के, कितना वाहियात लगता है. ये बंदी कल पूरे एपिसोड में लोगों को इंस्टिगेट करे थे, खाया हे आई एम टू ओल्डर, ओ रियली रियली. तुम बिचकुले को चिटपुले बोलोगी, हाँ चिटपुले तुम्हारी इज्जत करेगा. अब कल का प्रोमो तुमने देखा कितना बड़ा कांड हुआ है. हाँ, सलमान खान हैट्स ऑफ फॉर स्टैंडिंग अप अगेंस्ट शमिता शेट्टी, क्योंकि गाइस यहाँ पे बहुत लोगों को लगा था सलमान भाई इज यू नो फेवरिंग शमिता, लेकिन कल सलमान भाई ने अच्छा सुनाया शमिता को. हाँ, बिचकुले बोला तुम जैसी लड़कियों को मैं जुत्ती पे रखता हूँ, जुत्ती पे. एंड उसके बाद पता चला कि शमिता शेट्टी नहीं, ये बिचकुले को क्या 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 नहीं बोला है, उसको चिटपुले बोला है. हाँ, आए एंड उसके बाद सलमान खान उसने ये भी कहा कि तुम जैसे लोग यहाँ इस शो में आते नहीं हो. आते क्यों, व्हाट डू यू मीन बाय तुम जैसे लोग इस शो में आते क्यों, तुम कौन होती है डिसाइड करने वाली. हाँ, सलमान खान ने बोला कि दिस इज सो डिस्टेस्टफुल, ये तुमको कमेंट करना ही नहीं चाहिए था, ये वाला तुम जैसे लोगों का मतलब क्या होता है, लानत है ये सब. कल शमिता शेट्टी की आज फुल ऑन क्लास लगने वाली है, सबकी क्लास लगने वाली है. करण कुंद्रा, देवो, सलमान मैंने सबको अच्छे से सुना है, तो आज रात का एपिसोड मिस मत करना. एंड इस सबके बीच में सबसे ज्यादा तमाशा कौन कर रहा था पता है, अदनान. उसको ऐसा लग रहा है कि उसकी बहन के साथ अत्याचार हो गया, ये वो. अरे भैया, विक्रम भट्ट को फोन लगाइए, जल्दी लगाइए, रास 5 हम प्रोड्यूस करेंगे भाई, और उसमें भूत का रोल जो है वो शमिता शेट्टी करेगी. हाय, भूत, भूत की आत्मा शमिता शेट्टी में आएगी. द वे शमिता शेट्टी जंप्ड फ्रॉम करण कुंद्रा'स बॉडी, करण कुंद्रा उसको लेके जा रहा हाथ में, आजा शमिता जिंदगी, ऐसा कूदी मारी उसने. आई वाज लाइक शॉक, मैं बोला अरे यार
काश विक्रम भट्ट इसे रिबूट 1992 ये सब पिक्चरों में लंदन 1991 लंदन और करण कुंद्रा आपकी एक फिल्म का रिव्यू भी किया हमने जिसमें आपने वाहियात एक्टिंग की थी भाई 1921 तो उसमें करण कुंद्रा और शमिता शेट्टी को ले लो कास्ट कर लो यहाँ पर अरे सब में एक और ओवर एक्टिंग की दुकान थी मोमो डिड शी से दैट बहुत गलत बोला बिग बॉस गलत बोला ये मत कर ऐसा मत कर तू सबसे सेंसिबल इसमें उमर रियाज लग रहा था आपको समझाने की कोशिश कर रहा था निशांत का तो अलग ही ऑस्कर ऑस्कर लेवल एक्टिंग चल रही थी मीरा हम लोग क्या कर रहे हैं शो में अरे क्या कर रहे हैं शो में को स्पाइडर का मुंह बना दिया था उसने वो एकदम फालतू लग रहा था मेरे को यहाँ पर और बिचकूल है तो मतलब अपनी दुनिया में ना और सबके बीच में एक था जो पूरे के पूरे मजे ले रहा था इस पूरे के पूरे सीन की वो है अपना मंगेश दूध वाला बड़ा मंगेश जब तुम लोखंड वाला हो गए वापस तुम्हारा दूध से पढ़ाई हो जाएगी तुम्हारे अच्छे से यार साले बदतमीज अंदर जाके तमाशा कर रहा हो पूरा एरिया का नाम खराब कर दिया तुमने लेकिन आज के एपिसोड शुरू करते हैं एग्जैक्टली क्या हुआ सारी सारी चीजें डिस्कस करेंगे हमारे पास दिन की शुरुआत ऑब्वियसली सभी लोगों को पता है वो तलवार टास्ते हुई थी सभी कंटेस्टेंट्स को मिट्टी लेके तलवार बनानी थी तो अब क्या हुआ टास्क शुरू हुआ एंड यू नो ऑब्वियसली लोग कोई वर्डिक्ट नहीं दे रहे थे बोल रहे थे किसी की तलवार पतली है किसी की तलवार छोटी है किसी की तलवार अप एंड डाउन है तो इनकी मस्ती थी ये वीआईपीस की के लोग डिसीजन नहीं ले रहे थे तो ऑब्वियसली कंटेस्टेंट्स भड़क नहीं थे शमिता बोलती है ये साले फेयर नहीं है फेयर खेलना आता नहीं है लोगों को हाँ एंड लोग क्या हम लोग क्या प्रोफेशनल तलवार बनाने वाले हैं हाँ जो तलवार बना के लोगों को देंगे फर्स्ट राउंड शुरू होता है वापस से हम अब अदनान और प्रतीक के बीच में तो क्या मजेदार फाइटिंग होती भाई अल्टीमेट अदनान सडनली शमिता बोलती है अटैक करना उमर को क्यों नहीं कर रहा है उसको कर पता नहीं शमिता को कुछ गोली वोली खिला दिए थे आई थिंक शी वॉज ऑन सम टैबलेट्स कि उसका मूड स्विंग हुआ एंड बहुत खराब मूड स्विंग आई हैव नेवर सीन शमिता शेट्टी लाइक दिस अच्छा खासा उसने अपने कल बेइज्जती करा ली है स्क्रीन पर ऑब्वियसली करा ही चुकी है कुछ बच्ची है नहीं यहाँ पे एंड शेट्टी गिरी तेरी सब निकाल दूंगी देवली ने जो बोला और सबसे अच्छी बात यह है कि अभी तक कोई स्टैंड अप नहीं हुआ उसके अगेंस्ट अफसाना चली गई शी कुडंट स्टैंड अप अगेंस्ट शमिता शेट्टी देवली ने कहा ये सबके साथ करती है इसने ये चीज अफसाना के साथ भी की थी अभी तक कोई इसको पॉइंट आउट एंड पिक आउट नहीं किया है राखी सावंत ने भी बहुत अच्छा बोला हाँ डर लग रहा है मेरे को जरा भी डर नहीं लग रहा है हाँ शमिता शेट्टी और राखी सावंत का भी झगड़ा है मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा क्या हुआ एग्जैक्टली अब प्रतीक और अदनान का भी झगड़ा हो रहा है वहां अदनान आके प्रतीक का उड़ा रहा है प्रतीक बोलता है मोटे साले तुम यार देखो उसको जमीन पे खींच देता है खींचते 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 लेके जाता है वहां पर हाँ एंड यहाँ पे सबसे बड़ी बात शमिता पहले से ही गलत थी यहाँ पर एपिसोड की शुरुआत में यहाँ पर रश्मि देसाई को वो बफून बुला रही आई मीन कौन सी महिला सुन के लेगी कि आप उसको बफून बुला रहे हो गेम शो में मैं अगर जाके सामने उसके बोलूंगा जाके तू ये मोमो तू बफून दिख रही है तो मैं वही मारेगी पकड़कर फिर भी सब घर वाले उसकी इज्जत करते हैं क्योंकि वो शेट्टी परिवार से आती है लेकिन कल उसने अपनी इज्जत अपने हाथ से गवा दी एंड मैं आपको पहले ही बोला था देवोली ने एकदम सटके ली वो अगर उसके मन में आएगा तो सबको फाड़ देगी ऐसा एबिलिटी रखती हो तो BB13 में उसको प्रॉब्लम आ गया था तो चली गई थी वो वरना वो अच्छे से सबका काम खत्म करके जाती एंड शमिता शेट्टी ने उसकी बीमारी का भी मजाक उड़ाया हाँ वो क्यों मैं आपको बताता हूँ अभी उसके बाद बिचकुले को शमिता शेट्टी यहाँ पे चिटपुले बुलाती है लेकिन अब तलवार टास्क हो जाता है एंड सब लोग यहाँ पर अदनान को विनर डिक्लेयर करते हैं लेकिन गाइस रश्मि का फेवरेट कॉर्नर था यहाँ पे जो चाय कांड हुआ था एक दूसरे पे BB13 में चाय फेंकी गई थी हाँ चटनी का शर्ट फट गया था वहां पर वापस से वहां पर बिचकुले को लोग कॉन्टेक्ट कर लेते हैं पकड़ लेते हैं बोलते अबे सुन ले ना सबका सुन ले बिचकुले बीच बीच में क्यों ये कर रहे हैं शमिता शेट्टी के नाटक शुरू हो जाते हैं लिसन आई विल नॉट डू बर्तन फ्रॉम टूडे समझ में आ गया मम्मा बोलती है शमिता शेट्टी शी इज हाईली इमेच्योर समझ में आ गया शम्मू बोलती है नो डार्लिंग माई शोल्डर इज पेनिंग आई कैन नॉट डू तो मम्मा बोलती है चलो ठीक है शोल्डर पेन हो रहा है ना शोल्डर ठीक होने के बाद तुम लोग कर लेना हाँ निशान बोलता है देख मोमो अपने फेवरेट कॉर्नर में गई है वो BB13 वाले राखी सावंत कहती है कि अदनान ने अच्छा तलवार बनाया उसका तलवार अच्छा है एंड हम उनको जिताएंगे बिचकुली बोलता है ये किसी बाप का घर नहीं है ये किसी के बाप का घर नहीं है मंगेश बोल रहा है अरे भैया काहे बकवास कर रहे हो कौन अच्छा खेला वो बताओ ना टाइम पास खाए कर रहा हूँ यहाँ पर देवोली बोलती है राजीव विनर है अब गाइस देवोली कहती है नॉन वीआईपीज में ये तेजा एक नंबर की घमंडी हो गई है क्योंकि तेजा को प्रॉब्लम हो रही थी आई थिंक राजीव ने अभी तलवार जो है वो कंप्लीट कर ली थी इसके कारणवश राजीव वो जो स्पाइडर रहता है उसका एक सून काटता है उसमें से बॉल निकलता है एंड राजीव को 3 लाख मिलता है जो 3 लाख प्राइज मनी में इंक्लूड होगा तो अब इनका प्राइज मनी केवल 3 लाख है
तो उसको एक चिट्ठी मिलती है जहां पे उसको अपनी मॉम की जो फोटो है वो डिस्ट्रॉय करनी होती है। तो कहता है कि मॉम तो दिल में है, मैं पिक्चर डिस्ट्रॉय कर दूंगा। अब गाइज राखी सावंत यहाँ पे शमिता के पीछे पड़ जाती है क्योंकि शमिता ने ऑलरेडी टास्क में बहुत बदतमीजी की। हाँ, मोमो को बफून बोला, बिचकुले को चिटपोले बोला, बोला मैं काम नहीं करूंगी आज से, मेरा कंधा दुख रहा है, राजीव के भी कान भर रही थी, उम्र का तोड़ वाई यू ब्रेकिंग हर उम्र का तोड़ जाकर। यहाँ पर शमिता शेट्टी के अंदर का जो जानवर है वो बाहर आ गया था इस टास्क में। एंड यहाँ पे राखी सावंत जो है कह रही थी कि शम्मो की जो चाय है ना उससे ज्यादा उसकी केटली गर्म है। समझ में आ गया, शमिता ने ये सुन लिया। शमिता बोली डार्लिंग यू टेलिंग दिस टू मी, यू टेलिंग दिस टू मी, फेस टू फेस आ रही थी, सबको इंस्टिगेट कर रही थी शमिता शेट्टी जाकर, एकदम मुंह के पास आ रही थी। हाँ, राखी सावंत को बेल रही है, आई वोंट गिव एन एक्सप्लेनेशन टू यू राखी कि मैं काम क्यों नहीं कर रही हूँ, पूरा मैड एटीट्यूड में थी। राखी कहती है क्यों शमिता, तेरे को लगता है सलमान तेरे को आके बचा लेगा इस एपिसोड में, वीकेंड के बारे में बचाएगा तेरे को आके, कुछ मेहनत तो करना नहीं होगा क्योंकि पता है सलमान खान आके बचाएगा तुमको। राउंड शुरू होता है, सब वापस झगड़ना शुरू करते हैं, एक दूसरे की तलवार तोड़ना शुरू करते हैं और उमर एंड प्रतीक का वापस से लफड़ा हो जाता है। अरे क्या पिटाई होती है, फेंक रहा है इसी के बीच में बेचारे प्रतीक सहजपाल का टी शर्ट फट जाता है। मेरे को कल पता नहीं क्यों आज तक इस लड़के पे कभी दया आई नहीं है प्रतीक सहजपाल पे, लेकिन कल ये दया का पात्र था। बहुत बुरा लग रहा था उसकी हालत पर, उमर ने उसका टी शर्ट भी फाड़ दिया जो कि काफी गलत था, अच्छा काम नहीं किया उसको बेचारे का, पूरा टी शर्ट फाड़ दिया और उसको बॉडी दिखाने का मौका चाहिए। एंड यहाँ पर तेजू एंड प्रतीक के बीच में ऑलमोस्ट एक जुगलबंदी हो गई, वो उसके ऊपर चढ़ रही है, इसके ऊपर चढ़ रही है। अब गाइस यहाँ पे लड़कियों को भी थोड़ा ख्याल रखना चाहिए, जब आप कहते हो कि यू आर नॉट फीलिंग कंफर्टेबल एज अ गर्ल इन द टास्क यू शुड ऑल्सो नॉट क्रॉस योर लिमिट्स। यहाँ पे तेजा पूरा उसका मुंह पकड़ रही है, उसका गला ऐसा कर रही है, उसको ऐसा ऐसा कर रही है, उसको पूरा प्रतीक सहजपाल को वो कर रही है क्योंकि प्रतीक जा रहा था उसका तलवार तोड़ने के लिए वहां पर, वो बोल रही है मेरा क्यों कर रहा है, मेरा क्यों कर रहा है, सब एक दूसरे का यहाँ पर तलवार जो है वो तोड़ रहे थे। लेकिन गाइस यहाँ पे इसके बीच में निशांत पागल हो जाता है, बॉक्स उठा के फेंक रहा है, एक दूसरे की तलवार जैसे उधर फेंक रहा है गाइस यहाँ पर। हाँ, एंड यहाँ पर राखी कहती है कि प्रतीक जो है वो जीतना चाहिए। सब लोग ये भी बोल रहे थे कि मोमो जो है वो उमर का काफी ज्यादा फेवर कर रही है। देखिए गाइस मोमो एंड उमर जो है उनकी जो दोस्ती है काफी अच्छी तरीके से इस शो में दिखाई जा रही है, हमेशा साथ में बैठे हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। एंड इसी बीच में कुंद्रा जो है वो प्रतीक का वो किसी का लेता है वो मर्ड एंड उठा के वो फेंक देता है। हाँ, उसके बाद प्रतीक वहां से आता है एंड कुंद्रा यहाँ से चार्जअप होता है। कुंद्रा लिटरली उसने जो घुटना है ना उसके पेट में पाट करके मारा, दोनों का छाती बैंग हो गई। वो गलत था, वो नहीं करना था गाइस यहाँ पर। आई थिंक प्रतीक काफी सही था, अगर घुटना नहीं भी मारा फिर से आके उसने इतनी जोर से छाती मारा उसको। हाँ, प्रतीक फिर भी बोला था मैं आपकी इज्जत कर रहा हूँ, मैं आपकी इज्जत कर रहा हूँ। इसमें सबसे पहले इसमें बिचुकले हुशारी मारा, ए रद्द करने का टास्क नहीं करने का, बल का प्रयोग नहीं करने का, बंद करो गेम बंद करो, और फुल नेतागिरी कर रहे हैं वहां पे। शमिता ने बिचकुले को भी नहीं छोड़ा। शमिता बोलती है क्या बल का प्रयोग मुंह से नहीं होता, समझ में आया, तू तेरा मुंह बंद कर। फिर शुरू होता है द ग्रेटेस्ट क्लैश एवर इन द हिस्ट्री ऑफ BB13, ध्यान से सुनिए। हाँ, रेवा आके बोलती है शम्मू तू अपना मुंह बंद कर, रियली डार्लिंग यू टेलिंग मी टू शट माय माउथ। देव बोलती है हाँ, यू शमिता शेट्टी यू कीप योर माउथ शट। दोनों फेस टू फेस आ जाते हैं, शमिता फुल बीस्ट मोड में है। शमिता बोलती है देव यू नो व्हाट, योर ब्रेन इज अप इन माय एस। देव बोलती है यस माय ब्रेन इज इन योर एस, पता नहीं और क्यों नहीं पीछे पीछे क्या क्या घुसा के रखा है मेरा। शमिता बोलती है वाओ मींस यू एक्सेप्टेड योर ब्रेन इज इन माय एस, है ना। देवो बोलती है तीन तीन सीजन हो गए अभी तक तूने क्या किया। हाँ, शमिता बोलती है डार्लिंग मैं टॉप 5 में आई थी, तुम्हारी तरह इस शो से भाग नहीं गई थी। देवेना बोलती आई हैड अ मेडिकल कंडीशन दैट्स व्हाई आई वेंट। शमिता बोलती इवन आई हैव अ फ्रोजन शोल्डर, आई वाज स्लिप डिस्क इन माय नेक, आई डोंट रन लाइक यू। तो देवो बोलती है अब जाके बिग बॉस को पूछो, आई वाज नॉट फीलिंग वेल। शमिता बोलती इवन आई वाज नॉट फीलिंग वेल। हाँ, इतना ही नहीं, शमिता ने देवो को खूब इंस्टिगेट किया, उसको फुसकी बोला। देवेना बोलती है शमिता नॉट इम्पॉर्टेंट इन माई लाइफ, समझ में आया, क्योंकि वो बॉन्ग बच जाता है। यहाँ पे उन लोगों जो विनर है वो डिक्लेयर करना था, तो अब विनर जो है वो निशांत को डिक्लेयर करते हैं। एंड यहाँ पर अब बिचकुले फालतू डायलॉग बोल रहा है, पंखुड़िया तितलियां कुतियां उनके पर छाटूंगा।
वो जनरली बोल रहा था, संगीता शेट्टी टुक इट अपॉन हर, बोलती कुत्ती कैसा बोला, कुत्तियां बोल रहा हम लोग को, ये वो कुत्ती का वर्ड मत यूज करना, चूतिया है तू, बिचकुल है। संगीता शेट्टी चूतिया बोले तो कूल है, अच्छा लगता है। हाँ, संगीता शेट्टी एस बोले तो अच्छा लगता है, बाकी कोई बोल रहे सबके मुंह में छाले रहे थे। हाँ, नहायत ही बदतमीज औरत है ये संगीता शेट्टी, जरा तमीज नाम की चीज नहीं, इतने बड़े घर से आती है। ओटीटी में मैंने कहा था कि कैसा, हाउ कैन शी यूज द वर्ड कूत ऑन ओटीटी मैन। हाँ, वहां चलता था नेशनल टेलीविजन में, बिचकुले को चिल्ला रही है, सब लोग बोल भी रहे, तेरे को नहीं बोला तो अपने आप पे मत ले। अमिता बोलती है, व्हाट आर यू, हु आर यू, हाँ ये तू कौन है यहाँ पे। देवा बोलती, तेरे को बोला क्या शमिता, तेरे को बोला, तू क्यों बीच में आ रही, तेरे को बोला क्या। उसके बीच में सादमान जाकर चढ़ रहा है, तू मेरे बहन को मत बोलो, कुत्ता कैसे बोल सकता है, कुत्ती कैसे बोल सकता है। हाँ, और वर्ड बीप कर रहा है बिग बॉस, अरे सुनने तो दे पंखुरिया, क्या क्या बोला उसने बिचुकले ने। हाँ, सब लोग बोल रहे हैं मत करो मत करो झगड़ा। इसी के बीच में देवो है ना, कहते ना कि करण अर्जुन में, वो करण को बोलता है ऐसा उसने किया था, अर्जुन बोलता है ऐसा किया, मारा साले को जाकर। वैसे देवो देवो है जब मोमो को जाके बोलती है कि शमिता शेट्टी, दिस क्लासिस्ट शमिता शेट्टी, शी टोल्ड मी कि माय ब्रेन इज इन माय एस। मोमो, गलत बोला, गलत बोला, कैसे बोला। एंड उसके बाद तो देवोली ना भड़क जाती है ना, सब फेंकती जाती, बोलती है यू शमिता शेट्टी, नेक्स्ट टाइम डोंट टेल मी माय ब्रेन इज इन माय एस। शमिता क्या करेगी, तू क्या करेगी, और फुल पागल मोड में आती है ना, तो फुल ये राज 4 है तो देवली ना राज 11 है। मारा मारी दोनों के अंदर एकदम एकदम आत्मा चढ़ गई, ऐसा मारा मारी करने के लिए आ रहे ना। अबे शमिता को पकड़ रहे लेकिन रुक नहीं रही, अदनान यहाँ पे चिल्ला रहा है मेरे बहन को कुछ मत बोल, देवली ना मैं मार दूंगी तेरी सारी शट्टीगिरी निकाल दूंगी, तेरी सारी शट्टीगिरी निकाल दूंगी। शमिता और फट करके बेहोश हो जाती है। यहाँ पर कुंद्रा उसको उठाता है, कुंद्रा उसको लेके आता है, शमिता शेट्टी मारने के लिए आ रही थी, वो खाली बात करने के लिए गई। शमिता शेट्टी तो मारो बैशू ये वो, कुंद्रा उसको उठाता है 1921 लंदन जैसा, उसको लेके आता है अंदर कन्फेशन रूम में। वो जब कन्फेशन रूम में जाते हैं, और बेटा शमिता शेट्टी तड़पती है, बदन में आत्मा आती है ना, वैसा उड़ छलांग मार देती कुंद्रा के ऊपर से। विक्रम भट्ट भैया ले लीजिए उसको, पिक्चर में राज 5 में अद्भुत भूत का किरदार निभाएंगे, अद्भुत थिएटर फट जाएंगे ऐसे भूत देखकर। हाँ, तो गाइस यहाँ पर वो कूद जाती है एंड बोलती है मेरे को कन्फेशन रूम में, बिग बॉस, बिग बॉस अरे कन्फेशन रूम में आ जाइए भाई, आ जाइए शमिता शेट्टी आ जाइए। कन्फेशन रूम खोलती है, मजा जाए, कन्फेशन रूम में जाके बैठ जाती है। एंड यहाँ पे निशान जाके देवो को चिल्ला रहा है कि तू ऐसा क्यों कर, देवो बोलती है अगर कोई बोलेगा माय ब्रेन इज इन माय एस तो मैं सुन के लूंगी क्या। यहाँ पर सब शांत हो जाते हैं, उनको पता चल जाता है कि यहाँ पर शमिता की गलती, मोमो भी कहती शमिता की गलती है। अदनान बिचुकले के पास जाता है, बताए अगली बार और तुम किसी का कुत्ती नहीं बोला। बिचुकले, अरे मैं नहीं बोला, मैं पंखुड़ियां तितलियां चुती अपना अलग अलग कर रहा था यहाँ पर बैठकर। बिचुकले बोलता है तू मारेगा मेरे को, मैं भी मारूंगा तेरे को। फिर निशान जीतता है ना, उसको 5 लाख मिलता है, लेकिन उसको सैक्रिफाइस क्या रहता है। अरे एक डांसर को, एक कोरियोग्राफर को तुम बोल रहे हो कि तू 1 साल तक कैमरा पर डांस नहीं करेगा, पागल वागल होगा तू, उसकी रोजी रोटी है बिचारे की। वो निशान बोलता है मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा, मेरे तो 5 लाख भी चले जाते हैं, वो सब भी चले जाते हैं, लेकिन निशान जो है वहां पे सेफ हो जाता है। बिचकुले का एग्जांपल सुनो, बिचकुले राखी को बोल रहा है यार शमिता शेट्टी है ना इनसिक्योर हो गई है, अभी आप भी आ गई, मैं भी आ गया, वो लड़की कौन, वो जापान की गुड़िया देवोलीना भी आ गई, और रश्मि भी आ गई, और जीजू जी भी आ गए। और जीजू जी क्या कर रहे थे पूरे एपिसोड में, हंस रहे आंटू, ऐसा हंस रहा है, अरे क्या खजुआ आदमी है वो, एक नंबर का। हाँ, बोलता है अरे शमिता इनसिक्योर हो गई है, क्या हम लोग जीत सकते हैं यहाँ पर। अंदर शमिता शेट्टी का बीपी चेक कर रहे हैं, अरे कम ऑन ब्रिंग एन इलेक्ट्रॉनिक यू नो बीपी डिवाइस पे, हाँ अंदर रखो घर में कंटेस्टेंट्स के लिए, पता नहीं क्या कर लेंगे ये लोग, डॉक्टर आते आते इनका बीपी शूट अप ना हो जाए, इतना हाइपर नहीं होना, इतना गेम शो मैन, इतना पागल पर देवोली ना, उसकी बात का क्या हो रहा। शमिता शेट्टी बहुत एक्स्ट्रा कर रही थी, सीरियसली बहुत एक्स्ट्रा कर रहे थे यहाँ पर। हाँ, अब निशान रोता है, हमें क्या करने के लिए आए, हम लोग यहाँ पे क्यों आए, बीरा अब दोनों को बीर पिलाओ सालों को, नाटक की हद होती है। अब यहाँ पे निशान प्रतीक को उंगली करता है कि तू एक्शन के लिए नहीं कह रहा है। हाँ, प्रतीक कहता है मुझे लगी है, लेकिन मैंने निशान कदम भी एक्शन के लिए अपील नहीं किया था, उनको जो लगता है ठीक करो। अब शुरू होता है असली प्रतीक सहजपाल का गेम। प्रतीक सहजपाल आता है अंदर गुस्से में, बोलता है कुंद्रा चुप एकदम चुप बैठेगा तू, तू एकदम चुप बैठेगा। तू एक काम करो, ट्रॉफी है ना अपनी कान में डाल दो। अगली बार तुमने मुझे मारा ना, मैं तुम्हारा सर फोड़ के जाऊंगा। एक काम करो बिग बॉस, परमिशन दे दो, सर फोड़ने की परमिशन दे दो, मैं सबका सर फोड़ के जाऊंगा यहाँ पे, खुद का भी सर फोड़ दूंगा। गुस्से में आ गया था।
सही है यार। अबे कभी सुप्लेक्स दे दिया, कभी मार मार दिया उसको पकड़े, कभी छाती मार दिया, घुटना मार दिया छाती में, कोई भी आदमी भड़केगा। हाँ तेरा दिमाग तेरी गांड में फुल चिल्ला रहा था यहाँ पर। हाँ यहाँ पे प्रतीक रोना शुरू कर देता है एंड कुंद्रा की पूरी बैंड हो जाती है। कुंद्रा इसमें भी क्या करता है पता है, खड़े हो जाता है, बोलता एक काम कर प्रतीक, तो सर सर फोड़ मेरा। प्रतीक को वो मान लो प्रतीक नहीं करेगा, कुंद्रा सर फोड़ मेरा, सर 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 फोड़ सर फोड़ सर फोड़ सर सर फोड़ मेरा। कुंद्रा बोलता पूरी फ्रीडम दे रहा हूँ प्रतीक तेरे को, मेरा सर फोड़ दे। समझ में आ गया, सब लोग वीआईपी लोग समझा रहे कुंद्रा को के भाई ए मत कर ऐसा, अगली बार मत कर ऐसा, मत कर मारामारी मत कर। समझ में आके यहाँ पे तेरे को प्रतीक को भी समझा रहे हैं यहाँ पर कि उसका इंटेंशन नहीं था ऐसा, गलती से लग गया। कुंद्रा ही बोल रहा है अगर लगा होगा शायद से, मुझे नहीं मालूम। इसके बीच में यहाँ पर तेजू आती है, तेजू बोलती प्रतीक तू ये बार बार पीछे की बात क्यों निकाल रहा है कि देखो धक्का मार के नीचे गिरा दिया, धक्का मार के नीचे गिरा दिया। टास्क में भी तू लड़कियों को कहाँ कहाँ हाथ लगाता है, माइशा ने देखो थप्पड़ भी मारा टास्क में। यहाँ पर सबकी अटक जाती है, मोमो बोलती नहीं बोलेगी तू, नहीं बोलेगी नहीं बोलेगी, गलत था ये कैरेक्टर पे इल्जाम लगाना। ये सुन के बेचारा प्रतीक सहजपाल रो देता है, मैंने नहीं किया, मैं किसी को हाथ लगा रहा हूँ। वो सुट्टे मार रहा है, पहली बार बिग बॉस में किसी को सुट्टा मारते हुए दिखाया अंदर जाकर, काफी वो ना उदास हो जाता है गाइस यहाँ पर। कहता आके कि मैंने उसको गलत हाथ नहीं लगाया था वो टास्क में। समझ में आया प्रतीक सहजपाल काफी इमोशनल हुआ यहाँ पर। एंड मोमो भी जो है वो यहाँ पर तेजू को बोल रही है कि रॉन्गली है ना, किसी को अक्यूज मत कर, तू गलत कर रही है। एंड तेजू को भी लगा कि उसने एकदम फालतू हरकत की है, सो ये नहीं करना चाहिए था। एंड राखी को आके बेचारा सहजपाल पूछ भी रहा है खाने के बारे में, खिचड़ी के बारे में। तब राखी सावन कहती है मैं चाहती हूँ कि प्रतीक सहजपाल जो है वो गेम जीते। बिग बॉस कहता है भैया राजीव और निशांत आप सेफ हो, बाकी लोग नॉमिनेटेड है, लेकिन आप लोगों को मैं अभी बता देता हूँ कोई भी एलिमिनेट नहीं हुआ ये वीक में, सब सेफ है। कैसे एलिमिनेट करोगे, कोई है ही नहीं एलिमिनेट करने के लिए। ओके गाइस होप आज का एपिसोड सभी लोगों को पसंद आया होगा। नहीं देखा है कल का एपिसोड, देखो जाके वूट पे, एक घंटे का बाप लेवल एपिसोड है, यू गोना हैव अ फकिंग अमेजिंग टाइम। मैंने रिपीट कर करके देखा। ओके गाइस तो माफी चाहता हूँ कल रात को मैं रिव्यू नहीं कर पाया, लेकिन अभी कर दिया है तो देखो एंजॉय करो। साइनिंग ऑफ, यू गोना सी मी वेरी सून, टिल देन एज ऑलवेज स्टे कूल मैन, गुड मॉर्निंग।